कभी कभी जहन में ये भी ख्याल आता है, अच्छा जी मैं तौबा कर लूंगा, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह ने किसी को तो माफ करना ही है, अल्लाह माफ कर देगा। भाई अल्लाह रहीम है, माफ कर देंगे, यहां तक तो बात है सही, लेकिन अगर मौत के वक्त ईमान ही सलामत ना रहा तो फिर क्या बनेगा। हदीस पाक में है, कितने लोग होते हैं उनके नाम सारी जिंदगी मुसलमानों की फहरिस्त में रहते हैं, मौत का वक्त आता है उनका नाम मुसलमानों की फहरिस्त से खारिज कर दिया जाता है। कितने लोग होंगे कुर्बे क़यामत में युस्बिहु मुमिना व युमसी काफिरा, नबी सलाम ने फरमाया सुबह उठेंगे ईमान वाले होंगे, शाम सोने के लिए बिस्तर पे जाएंगे ईमान से खाली होंगे। तो भाई ये जो ईमान सल्ब होने की भी बातें हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुनाहों के बद असरात की वजह से ईमान ही सल्ब हो जाए, फिर क्या बनेगा। रहमत तो होगी ना उनके लिए जो ईमान के साथ चले गए, और ईमान से ही महरूम तो फिर कहां से रहमत का सवाल पैदा हुआ। और उलमा ने लिखा है कि कुछ गुनाहों के बद असरात ऐन मौत के वक्त जाहिर होते हैं, उनमें से एक गुनाह जिना का गुनाह है। इस जिना के गुनाह के असरात दुनिया में तो होते ही हैं, मौत के वक्त भी जाहिर होते हैं। मैंने एक मरतबा हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह से ये बात पूछी, हजरत मैं छोटा भी हूं, कम इल्म भी हूं, ना समझ भी हूं, तो मुझे कुछ बातें नहीं समझ में आती, आप अगर इजाजत दें तो मैं आपसे पूछ लिया करूं। हजरत बहुत खुश हुए, फरमान लगे पूछा करो। तो मैंने ये सवाल पूछा कि हजरत तलबीस इबलीस किताब में एक वाकया पढ़ा है, एक हाफिज कुरान था जिसने के बदनजरी की, शहवत की नजर किसी पर डाली, और उसकी वजह से 20 साल के बाद वो कुरान पाक से महरूम हो गया, कुरान पाक सीने से ही निकल गया। तो मैंने कहा कि हजरत इस एक मर्तबा किसी गैर को देखने पर इतनी बड़ी महरूमी कि कुरान पाक से महरूम हो गया, ये तो बहुत बड़ी सजा है। तो हजरत ने फरमाया असल में ये अल्लाह की गैरत का मामला है। वो कैसे कि अल्लाह ताला चाहते हैं मेरे बंदे, नेमतें मैंने दी, पैदा मैंने किया, अब तेरा दिल मेरी मोहब्बत के लिए वक्फ होना चाहिए, ये मेरा घर है। जब हम अपने दिल में अल्लाह की बजाय किसी गैर महरम को बसाते हैं और उसकी मोहब्बत दिल में लाते हैं, अब किसी औरत के घर जरा किसी और औरत को ला के बिठाओ ना, फिर देखो वो कैसे रिएक्ट करती है। तो फरमाया ये अल्लाह की गैरत का मामला है, और अल्लाह को जब गैरत आती है फिर अल्लाह ताला कोई भी सजा दे सकते हैं। तो अगर एक मर्तबा की बदनजरी कुरान पाक से महरूमी का सबब बन सकती है, तो ये जो आज इसके साथ अफेयर है, कल उसके साथ है, परसों उसके साथ है, मेरा टाइम नहीं गुजरता, मैं तुम्हें हर वक्त याद करता हूं, मैसेजेस चल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, फिर इसका नतीजा क्या निकलता है कि इंसान मौत के वक्त ईमान से महरूम हो जाता है। उलमा ने लिखा है जबान पे फालज पड़ जाता है, कलमा पढ़ना भी चाहे कलमा नहीं पढ़ सकता, अल्लाह तौफीक छीन लेते हैं। तो इसलिए ऐसे गुनाहों से तौबा करनी फिल फौर जरूरी है।